हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने किया गिरफ्तार। 25 अगस्त से थी फरार। हनीप्रीत के साथ एक महिला भी गिरफ्तार। हनीप्रीत से गुप्त जगह पर हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने की पूछताछ। हनीप्रीत को कल पंचकुला कोर्ट में पेश कर कोर्ट से रिमांड मांग सकती है पुलिस। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया के सामने कहा, आरोपों से हूँ सदमे में, कहा पापा और मेरे रिश्ते बिल्कुल पवित्र, खुद को और पापा को बताया बेकसूर। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का बड़ा बयान, कहा 2019 में मौका मिला तो दादूपुर नलवी नहर को हम करवाएंगे पुनर्जीवित। इनेलो और कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रद्युमन के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पिंटो परिवार को मिली राहत को दी चुनौती। 7 अक्टूबर तक रेयान मालिकों की गिरफ्तारी पर लगी है रोक। गुरुग्राम में सामने आए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दो मामले। राजेंद्र पार्क इलाके में एक तलाकशुदा महिला ने दर्ज कराया मामला। वहीं लक्ष्मण बिहार की एक युवती ने अपने जीजा के दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। भिवानी के रोहतक गेट पर महिला और होमगार्ड के बीच मामूली सी कहासुनी पर हुआ हंगामा। हंगामा देख जमा हुई भीड़ ने होमगार्ड के जवान की वर्दी फाड़नी चाही। बाद में दोनों पक्षों के बीच थाने में हुआ राजीनामा। चप्पल उतारकर महिला ने होमगार्ड पर किया हमला। हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। करनाल के समोरा गांव के नजदीक इंद्री यमुनानगर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार परिवार। हादसे में मां और दो मासूम बच्चों की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव नलवी में स्कूल के वैन ड्राइवर ने नर्सरी की बच्ची पर चढ़ाई वैन। मौके से ड्राइवर कंडक्टर हुए फरार। बच्ची चंडीगढ़ पीजीआई में लड़ रही जिंदगी और मौत की लड़ाई। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीलंका में हुए अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे प्रतियोगिता में हरियाणा को मिले 3 गोल्ड मेडल। छात्रों ने और बेहतर प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने की कही बात। साथ ही छात्रों ने कहा, जूडो कराटे पर सरकार नहीं देती ध्यान।